तो चलिए मेरे बच्चों फिर शुरू करते हैं आज से अपना छठवां सेट। ठीक है, तो इसके पहले आपने पांच सेट तैयार कर लिए होंगे, और अगर नहीं किया है आपने तो निश्चित ही मेरे पांचों जो इसके पहले के सेट दिए गए हैं पूर्ण व्याख्या के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप उन पर जाएं और अच्छे तरीके से तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, और ये इस किताब से आपको दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सातवां सेट है जो वास्तव में मैंने छठवां सेट दिया, चूँकि जो छठवां सेट था वो 200 क्वेश्चंस के थे और अभी मेरा टारगेट जो है प्री के लिए आपको प्रिपेयर कराना है, तो इसलिए किताब का सातवां और मेरा छठवां सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड हिज मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये अनलेस के साथ आप नॉट कैसे लगा सकते हैं, अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है तो अनलेस के साथ नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य हो जाएगा माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज इन्वाइटेड। शायद आपको याद होगा कभी भी अनलेस है, अनटिल है, डिनाई है, हार्डली है, स्कैशली है, रेयरली है, बेयरली है, लिटिल है, नो सूनर है, इन सब के साथ आप सही स्थान पे नॉट का प्रयोग न करें क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव होते हैं आपके। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। यानी मीडिया जो है वह एक रोल अदा कर रही, वाइटल रोल अदा कर रही है इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड, एक ब्रांड को लोकप्रिय बनाने में। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ द मीडिया, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मीडियम के दो प्लूरल्स होते हैं, एक मीडियम्स होता है और एक मीडिया होता है। तो अगर आपको माध्यमों के रूप में यूज करना हो जैसे हमारे और ईश्वर के बीच में, तो फिर ये मीडियम्स प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम मीडियम का इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के रूप में यूज करते हैं तो वह उसका प्लूरल मीडिया होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली इसे एक ग्रुप के रूप में, मीडिया को एक ग्रुप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वजह से आप द मीडिया को यहाँ पे प्लूरल न यूज करके आप इसका सिंगुलर यूज करेंगे। यानी अगर हम देखें तो जो ये प्ले है ये प्लेज न होकर के प्लेज हो जाएगा। तो द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है अ वाइटल रोल हो गया आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मस्ट सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, यह दूसरी बार है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वी हैव सेंट जो हमने एक दूसरे से की है, मीन्स पत्राचार के सेंस में यहाँ पे है, एंड वी आर मस्ट सरप्राइज्ड और हमें बहुत आश्चर्य है एट रिसीविंग नो आंसर। एक्चुअली यहाँ पे जो हो सकता था आंसर या जो एरर हो सकती थी वो आंसर की जगह पे हो सकती थी। जैसा कि आप समझते होंगे जब हम किसी को जवाब देते हैं डायरेक्ट सीधे तौर पे आमने सामने, तो वहाँ पे हम आंसर का प्रयोग करते हैं, और अगर हम एक पत्राचार के रूप में यूज़ करते हैं तो हम रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन SSC ने माना है कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आपका है, यानी ये जो नो आंसर है ये यहाँ पे उन्होंने सही करार दिया, यानी यहाँ पे नो एरर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोफेसर लाल टेस्ट बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये बोथ है और यहाँ पे एज वेल एज है। आप सोचें दोनों आप कैसे कर सकते हैं, या तो बोथ के साथ आप एंड लेते या बोथ को हटा देते और एज वेल एज लेते, दोनों नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे, पहला है प्रोफेसर लाल टेस्ट बोथ हिस्ट्री और हम एज वेल एज को हटा करके एंड ले लें, बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर इस सेमेस्टर। दूसरा भी ऑप्शन हमारे पास है, प्रोफेसर लाल टेस्ट हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस बोथ को रखें आप और यहाँ एज वेल एज के स्थान पर आप एंड का प्रयोग कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड, यानी वो धनी है, एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ,
मीन्स वो जीवन के सभी प्रकार के जो सुख हैं उनको वो ले सकती, प्राप्त कर सकती। जो प्लेजर्स है ये अलग अलग प्रकार के प्लेजर्स की बात की जा रही है। ये हम भौतिक सुखों की बात कर सकते हैं और आत्मिक सुखों की बात कर सकते हैं। ऐसा इसने माना है कि यहाँ पे आप प्लेजर्स न लेकर के ऑल द प्लेजर ऑफ ले लें, यानी कि आप अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करें, न कि काउंटेबल नाउन के रूप में। वो प्लेजर्स हमारी अमेनिटीज़ होती हैं जो काउंटेबल नाउन के रूप में होती हैं। तो जहाँ प्लेजर्स हैं आप प्लेजर ले लें अनकाउंटेबल के रूप में, तो हो जाएगा शी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ, यानी आत्मिक सुख की बात कर रहे हैं। चलिए, कलर चेंज हो गया, मीन्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। वाक्य है ही लर्न्ड द लेसन विद ग्रेट केयर। विद ग्रेट केयर, या तो आप लेते विद अ ग्रेट केयर तो सही होता, यानी गलत है। अब ही लर्न द लेसन विद केयर भी हो सकता है, केयरलेसली तो कतई नहीं होगा, और केयरफुली हो सकता है। अब हम दोनों में से ले सकते हैं, विद केयर भी और केयरफुली, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज हमारा मेन है। यानी हमने यहां वर्ब ली है ही लर्न्ड, उसने सीखा द लेसन, उस चैप्टर को, उस लेसन को, तो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से, यानी हमारी जो प्रीफ्रेंस होनी चाहिए वो एडवर्ब होनी चाहिए, उस हिसाब से ए ऑप्शन न लेकर के सी ऑप्शन है। वैसे भी ए ऑप्शन को ध्यान से आप देखेंगे तो विद केयर लिखा है, जबकि विद अ केयर या विद अ ग्रेट केयर होना चाहिए था, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ही लर्न्ड द लेसन केयरफुली हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इंसिस्टेड टू गो विद मी। ज्यादातर बच्चे जो है यहां पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इंसिस्टेड अपॉन गोइंग, इस चीज को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इंसिस्ट के साथ नॉर्मली हम आन का प्रयोग करते हैं, न कि अपॉन का प्रयोग करते हैं, तो सी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में से एक हो सकता था, इंसिस्टेड ऑन गोइंग या इंसिस्टेड के साथ क्लास लें पूरी दैट ही शुड गो। क्योंकि इंसिस्ट के साथ यहां पर आन तो दिया नहीं गया है, अपान दिया गया है, और एसएससी को लगता है कि आप आन के स्थान पे अपान का प्रयोग यहां नहीं कर सकते, इसलिए उसने बी को तरजीह दी, इंसिस्टेड दैट ही शुड गो हो जाएगा। यानी ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया दैट की ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन न होकर के ये जो डी आप और बी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हो जाएगा, दैट वाली क्लास से बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका है, द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट। अगर ये पोर्शन देखें, रिटर्न बैक, मेरी जो पहली क्लास होती है पहले दिन मैं बच्चों को बताता हूं कि रिटर्न के साथ आप बैक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रिसीड के साथ बैक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रिबार्न वगैरह के साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये तो हर हाल में इंप्रूव करना होगा आपको, ठीक है। अब पहला है टू रिटर्न बैक के स्थान पे टू ब्रिंग बैक द फंड्स, भाई रिटर्न करने में ब्रिंग करने में फर्क होता है। दूसरा है रिटर्न द फंड्स हो जाएगा बिल्कुल, यानी यहां बैक हटा दें, द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न द फंड्स हो जाएगा टू ब्रिंग बैक, तो होगा नहीं आपका टू रिटर्न द फंड्स, टू सेटल द फंड्स, और नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, यानी बी ऑप्शन होगा। वैसे यहां द फंड्स नहीं होना चाहिए था, केवल टू रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डब्स आर मीट बर्ड्स। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो हॉक ने यानी बाज ने कहा कि जो पिजन्स और डब्स होते हैं वो मीट बर्ड्स होते हैं, उसका ये कहने का सेंस नहीं रहा होगा। हॉक चूंकि एक शिकारी पक्षी है तो उसके लिए जो पिजन्स हैं डब्स हैं ये बहुत ही क्या कहते हैं सीधे साधे भोले भाले पक्षी होते हैं जिनका वो आसानी से शिकार कर सकता है। बच्चों के मन में आ सकता है सर वीक बर्ड्स पे सो सकता है, वीक हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ हम शारीरिक रूप से या इरादों से कमजोर होने की बात करते हैं। मीट एम डबल ईट तो होगा नहीं, हम मिलने का कोई सेंस नहीं है, और एम ई टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये खाने की बात नहीं कर रहा है, ये उनके नेचर की बात कर रहा है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डब्स आर मीक बर्ड्स, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन जिसके मीन्स सीधा साधा होता है वो हो जाएगा।
No one cared for the boy after his father died. Cared for, यानी किसी ने भी उस बच्चे की परवाह नहीं की after his father died. आपको लगेगा ये तो सही है, फिर गलत क्या है? देखिए, केयर फॉर में इस परवाह करना मीन्स जैसे होता है कि आपने कुछ कहा और मैंने उसकी परवाह नहीं की, ये परवाह करना होता है. लेकिन अगर टेक केयर ऑफ प्रयोग करते हैं आप, तो टेक केयर ऑफ मीन्स होता है किसी का ध्यान रखना. तो इस पूरी वाक्य के स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो आपके समझ में आएगा कि नो वन केयर फॉर द बॉय, किसी ने भी उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी मर गए, यानी उसके पिताजी के मरने के बाद उस बच्चे का ध्यान किसी ने नहीं रखा. यहाँ ये नहीं है कि उसकी बातों की किसी ने परवाह नहीं की, ये सेंस नहीं है. हमारा सेंस है उसके पिता के मरने के बाद उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा, यानी हमें टेक केयर ऑफ का प्रयोग करना होगा, न कि केयर फॉर का. तो ए ऑप्शन देखें आप, ये ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे टेक केयर ऑफ का प्रयोग किया गया है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा. केयर फॉर द बॉय सिंस हिज फादर डाई एक तरह से ऊपर है ही, तो होगा नहीं. ये टुक द बॉय केयर का स्ट्रक्चर ही गलत है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड. तो नो वन केयर फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा. चलिए फिल इन द ब्लैंक से शुरू होता है आपका. द डैश यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम इज डैश. अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखें, ये वाक्य आपके सामने ये कह रहा है कि द यू हैव चार्ज्ड, यानी वो चीज जो आपने चार्ज की है, मीन्स आपने हमसे ली है कीमत के रूप में, फॉर द होटल रूम, उस होटल रूम के लिए इज डैश. ठीक है, अब होटल रूम का रिच हो सकता है, अरे रेंट हो सकता है. द रेंट यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम इज, लेकिन दूसरा जो है रिच, रिच गलत हो जाएगा. रिच यहाँ पे समृद्ध के सेंस में नहीं आएगा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा. अगर आप सोच रहे हो कि रेंट के हिसाब से हो जाएगा, तो दूसरा भी ऑप्शन देखें, ये जो रिच यहाँ दिखाया जा रहा है ये गलत है. चलिए बी ऑप्शन देखें. द चार्जेज यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम इज माइटी. अगर आप समझते हो माइटी शक्तिशाली के सेंस में हम यूज करते हैं, तो यहाँ माइटी की वजह से भी नहीं होगा. और चार्जेस स्पेलिंग देख ले, CHARGES रहेगा यहाँ पे. तो द चार्जेस यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम इज माइटी, वैसे देखिए अजीब नहीं लग रहा, द चार्जेस यू हैव चार्ज्ड और है ऐसा नहीं, तो यानी बी ऑप्शन नहीं होगा माइटी की वजह से. तीसरा ऑप्शन है प्राइस और कॉस्टली. द प्राइस यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम इज एग्जॉर्बिटेंट. ठीक, इज कॉस्टली. पहली चीज कि आपने उस होटल रूम का प्राइस नहीं दिया है. प्राइस तो किसी चीज़ की कीमत होती है, क्या आप उसकी प्राइस दे रहे हैं? आप उसकी किराए दे रहे हैं उसका, तो फिर यहाँ सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. लास्ट है टैरिफ और एग्जॉर्बिटेंट. द टैरिफ यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज एग्जॉर्बिटेंट. आप समझते होंगे टैरिफ में शुल्क होता है, और एग्जॉर्बिटेंट में जरूरत से ज्यादा होता है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन. द टैरिफ यू हैव चार्ज्ड फॉर द होटल रूम, यानी वो शुल्क जो आपने होटल रूम का चार्ज किया है इज एग्जॉर्बिटेंट, वो जरूरत से ज्यादा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका. नेक्स्ट आपका है द डैश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाई अ होस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स वुड डैश द ओल्ड जनरेशन अघास्ट. एक्चुअली आप अगर एक idiom आपको याद हो इस पूरी वाक्य को देखने के बाद, ये अघास्ट जो है वो आपको एक जगह के लिए मजबूर कर देगा. उस अघास्ट के साथ लास्ट में आप सरप्राइज नहीं ले सकते हैं, डिलाइट नहीं ले सकते हैं, शॉक नहीं ले सकते हैं. अगर आपको याद हो लीव समवन अघास्ट मीन्स होता है किसी को भौचक्का छोड़ देना, मीन्स आश्चर्य में डाल देना, यानी यहाँ इन्वेजन के साथ लीव होगा आपका. तो अगर द इन्वेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक अटैक है, हमला है, बाय अ होस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स, बहुत सारे नए शब्दों के द्वारा, वुड लीव द ओल्ड जनरेशन अघास्ट, उसे जब हमारी पुरानी पीढ़ी देखेगी तो बिल्कुल भौचक्की रह जाएगी. यही होगा, क्योंकि अघास्ट क्लू था आपका कि आपको लास्ट वाले गैप पर लीव का प्रयोग करना है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा. ये ऑप्शन इन्वेशन और लीव वाला ऑप्शन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका.
द एप्लीकेशन इज डैश एज सम डिटेल्स आर डैश, ठीक है। द एप्लीकेशन इज रिटर्न, पहले आप समझें एप्लीकेशन को रिटर्न नहीं किया जाता है, एज सम डिटेल्स आर अनफिनिश्ड, कोई कार्य तो है नहीं आपका ये कि अनफिनिश्ड है, हम तो डिटेल्स दे रहे हैं, डिटेल्स को अनफिनिश्ड नहीं यूज कर सकते हैं आप, यानी ये जो ऑप्शन है आपका अनफिनिश्ड, इसकी वजह से ये ऑप्शन फिनिश हो जाएगा। दूसरा देखते हैं रिवर्टेड और फ्यू, द एप्लीकेशन इज रिवर्टेड एज सम डिटेल्स आर फ्यू, एक तरफ सम डिटेल्स दिया जाएगा तो फ्यू कैसे हो जाएगा, फ्यू होता है न के बराबर और सम डिटेल्स जो है वो कुछ डिटेल्स कुछ विवरण है, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखते हैं द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग, बिल्कुल सही है, आप समझते होंगे हम एक एप्लीकेशन को वैसे भी रिजेक्ट करते हैं, न तो रिफ्यूज करते हैं, न रिटर्न करते हैं, न रिवर्ट करते हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, और दूसरी चीज कुछ डिटेल्स जो है मिस कर रही मीन्स उसमें नहीं दी गई भरी नहीं गई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्टेड और मिसिंग। रिफ्यूज्ड भी एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है और लैक भी नहीं होता, लैक हमारे अंदर किसी गुण वगैरह कमी होती है या कोई फंड वगैरह की कमी है तो वहां लैक का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही वॉज नॉट डैश टू सेल द प्रॉपर्टी अनलेस ही गॉट अ मोर डैश प्राइस, he was not, ये देखते हैं अगर आप देखेंगे he was not prepared जाएगा, he was not prepared to sell the property unless he got a more realistic price, ठीक है। अब he was not prepared to sell, सही है, the property यानी उस property बेचने के तैयार नहीं था, unless जब तक कि he got a more realistic price, जब तक कि उसे और उचित सही दाम न मिल जाए, सही ए ऑप्शन। बी क्यों नहीं होगा, ही वॉज नॉट श्योर टू सेल द प्रॉपर्टी अनलेस ही गॉट अ मोर ट्रू प्राइस, ट्रू तो हम शब्दों वगैरह के थ्रू होते हैं तो यहां ट्रू का प्रयोग गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज नॉट डिसाइडेड, ऑलरेडी गलत हो गया, ये पैसे व्यास का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, उसके निर्णय करने की बात कहां से है, यानी वो तैयार नहीं था उस प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर ये डिसाइडेड आपको लेना होता तो वाक्य सोचे ये रहा होता ना, ही हैड नॉट डिसाइडेड टू सेल द प्रॉपर्टी, ये होता है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है रेडी और करेक्ट, ही वॉज नॉट रेडी टू सेल द प्रॉपर्टी अनलेस ही गॉट अ मोर करेक्ट प्राइस, करेक्ट हम अपने एरर्स वगैरह में होते हैं ना कि प्राइस के सेंस में होते हैं, यानी ऑप्शन ऑलरेडी ए आपका था, he was not prepared to sell the property unless he got a more real। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज वंस डैश दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी डैश नाउडेज फ्यू पीपल सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट, आप समझ सकते हैं कि इसका जो एक कॉन्सेप्ट निकला वो ये है कि कभी ऐसा दैट कि बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी, कि अगर कोई ओवरवेट हो रहा है जरूरत से ज्यादा उसका वजन है मोटा है तो वो स्वस्थ माना जाता था, लेकिन आजकल नाउडेज आजकल फ्यू पीपल न के बराबर लोग मिलेंगे सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट, जो इस प्रकार की सोच से सहमति प्रदान करते हो। अब हम ए देखते हैं, ए है स्पेक्यूलेटेड, तो अगर हम बनाएं तो इट वॉज वंस स्पेक्यूलेटेड दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी, यानी कभी ऐसा विचार किया जाता था कि बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी एंड नाउडेज फ्यू पीपल, ये कुछ कॉम्बिनेशन पहले स्पेक्यूलेटेड का और एंड का जो है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो स्पेक्यूलेट नहीं किया जाता था ऐसा, दूसरा ये दोनों सेंटेंसेस कंट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे से तो एंड नहीं लगेगा यहां पे। बी देखते हैं, इट वॉज वंस बिलीव्ड दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी, यानी कभी ऐसा था जब ये विश्वास किया जाता था कि अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो आप बेहतर हैं स्वस्थ माने जा रहे हैं आप, बट लेकिन नाउडेज आजकल फ्यू पीपल सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट, आजकल कम लोग मिलेंगे न के बराबर लोग मिलेंगे जो इस व्यू पॉइंट से सब्सक्राइब करते हैं और सहमत होते हैं, आप देख रहे होंगे ये बेस्ट है दिए गए ऑप्शंस में। लेकिन सी भी देखते हैं, इट वॉज वंस जोक्ड दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी बिकॉज
Nowadays, few people subscribe to this viewpoint. क्या आपको लगता है कि यहाँ जोक रहोगा यहाँ पे? क्योंकि वो तो माना जाता था ऐसा, फिर जोक कैसे हो जाएगा? डी ऑप्शन देखते हैं. It was once ready. होगा ही नहीं. That being, तो इसका मतलब हमारा है बी ऑप्शन बेहतर है. It was once believed that being overweight was healthy, but nowadays few people subscribe to this viewpoint. यहाँ देख रहे होंगे आप, believed का पहले क्लास से सही हो जा रहा है और दूसरी क्लास में बट जो है जो कंजंक्शन दे रहा है वो यहां बेहतर क्योंकि कंट्रास्ट दिखाया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के. कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, यानी कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक हो रही हो और फिर वो माने न हो, वह विदाउट इंटरप्शन हो रही है, यानी कि वो चीज कहीं कहीं लगातार हो रही है, यानी बिना बाधा की वो चीज हो रही है. तो क्या हम देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. पहला है रिकरिंग, दूसरा परपेचुअल, तीसरा फ्रिक्वेंटिंग और चौथा कंटिन्यू. हम चारों के अर्थ समझते हैं. रिकरिंग तब प्रयोग करते हैं जब कोई चीज बार बार हो रही हो, तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया क्योंकि विदाउट इंटरप्शन यहां दिया गया है तो फिर ए नहीं होगा. दूसरा है परपेचुअल. परपेचुअल मींस बिना रुके लगातार, अगर कोई कार्य लगातार लंबे समय तक हो रहा है तो वह परपेचुअल होता है, हो सकता है इसका. सी देखते हैं फ्रिक्वेंटिंग. फ्रिक्वेंटिंग मींस ये होता है बार बार, तो फिर ये कैसे बार बार, यहां तो कह रहा है बिना रुके चीजें चल रही है, यानी सी नहीं होगा. डी है कंटिन्यूम. कंटिन्यूम होता है लगातार, लेकिन ये किसी कार्य के लिए नहीं होता है. कोई चीज जैसे कोई गांठ है, कोई नॉट है, वो एक दूसरे से बंधी हुई है और लगातार ऐसा होता जा रहा है तो वह कंटिन्यूम होता है, यानी डी भी नहीं होगा, यानी परपेचुअल हो जाएगा. कोई कार्य जो निरंतर होता आ रहा हो वह परपेचुअल है बिना इंटरप्शन के. तो कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन परपेचुअल हो जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग. कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा होता है, वो वोकलिस्ट नहीं होता है, तो वोकलिस्ट एक वाद्य यंत्रों को बजाने वाला हो जाएगा. वो एक नरेटर है. नरेटर एक नॉर्मली जो कहानी कोई किसी चीज की व्याख्या करता है, बताता है, वो नरेटर होता है. तीसरा है रिकॉन्टर हो जाएगा, मीन्स जिसके मीन्स होता है स्टोरी टेलर, जो स्किल्ड स्टोरी टेलर होता है वो रिकॉन्टर ही होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा. कंपोजिटर जो होता है वो जो म्यूजिक वगैरह होता है उसके कंपोजिशन का कार्य करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. स्पेशली स्किल्ड या स्पेशल स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग मीन्स अ रिकॉन्टर. नेक्स्ट, अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर आर अ पर्सन इन डिफिकल्टीज इच. वो व्यक्ति जो किसी अजनबी की भी या किसी व्यक्ति की उसकी कठिनाई में मदद कर दे, वो कौन है? हर बैच में मैंने बच्चों को बताया होगा, अल्ट्रुइस्ट वो होता है जो अपने मन में परोपकार की भावना रखता है. समैरिटन वो होता है जो किसी भी व्यक्ति की कहीं भी मदद कर देता हो, वह समैरिटन है. स्टोइक वो होता है जो तपस्वी का जीवन जीता है, मीन्स अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए कार्य करता है. और मर्सनरी वो होता है जो भारी का किराए का सैनिक होता है, या पैसे के लिए किसी का भी काम, कोई भी काम कर सकता हो, वो मर्सनरी होता है. तो अगर देख रहे होंगे आप, यहां स्ट्रेंजर का चुकी बात है, किसी की भी मदद, किसी अजनबी की भी जो मदद कर दे, वह न तो अल्ट्रुइस्ट होगा, न स्टोइक होगा, न मर्सनरी होगा, वो समैरिटन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी. कोई ऐसा स्पीच जिसके जिसका बहुत महत्व हो, जिसमें बहुत गंभीरता हो, वह स्पीच मोमेंटस होगा, मैडन होगा, मोमेंट्री होगा, मोन्यूमेंटल होगा. देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, पहला वर्ड है आपका मोमेंटस. मोमेंटस मीन्स महत्वपूर्ण, उस समय के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो मोमेंटस होता है. मैडन समझते होंगे, एक कुंवारी को कहते हैं, मीन्स एक कुंवारी लड़की जो होती है मैडन है वो. मोमेंट्री जो क्षणिक होता है, जो यहां बिल्कुल भी नहीं फिट होगा. मोन्यूमेंटल जो स्मारक के रूप में होता है, वो मोन्यूमेंटल होता है. यानी समझ सकते हैं आप, हमें एक इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है तो मोमेंटस हो जाएगा. मोमेंटस मीन्स उस समय के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो मोमेंटस होता है. नेक्स्ट है अ प्लान्ड रूट आर जर्नी. जैसे आप ए ऑप्शन देखेंगे,
आपको लगेगा इटिनरेंट हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट या हरी स्पॉइल्स करी, मीन्स जल्दी में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो खराब हो जाता है। यानी आपको ध्यान रखना होगा हम इटिनरेंट की बात नहीं कर रहे। इटिनरेंट वो होता है जो इस तरीके की यात्रा करता है, वो व्यक्ति होता है। हम वास्तव में उस प्लान्ड रूट या जर्नी की बात कर रहे हैं। तो जब कोई एक प्रायोजित तौर पे मीन्स व्यवस्थित तौर पे पूरा एक खाका बना करके कहाँ कहाँ उसे जाना है वो यात्रा करता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो इटिनरेंट होता है, और उसका जो प्लान होता है वो रूट या जर्नी जो होती है वह इटिनररी होती है। मीन्स बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप में जो कार्यक्रम के साथ यात्रा होती वो इटिनररी होती है। और भी वर्ड्स देख लेते हैं। तो इटिनरेंट वो व्यक्ति हो गया जो इस तरीके की यात्रा करता हो। इटरेट समझते हैं किसी चीज़ को दोहराना होता है, बार बार कहना होता है। आइसोलेट किसी चीज़ को अलग कर देना होता है। और इटिनररी अर्थात पूरे यात्रा कार्यक्रम जो होता है, विवरण होता है, वो हो जाएगा इटिनररी। तो अब प्लान्ड रूट और जर्नी इटिनररी हो जाएगा। चलिए एंटोनिम्स आ गए हमारे सामने। तो अगर कोई चीज एब्रप्ट है, पहला वर्ड हो गया आपका एब्रप्ट। अगर कोई चीज एब्रप्ट हो रहा है मीन्स वो अचानक हो रहा है। तो अगर कोई चीज अचानक हो रहा है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज धीरे धीरे हो रहा हो, अर्थात पहला ही वर्ड देखें आप ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मीन्स हो जाएगा जो चीज धीरे धीरे क्रमिक रूप में हो रहा वो ग्रेजुअल है। रैपिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रैपिड मीन्स तेजी, तेज होता है। ऑब्स्क्योर का कोई मतलब नहीं, ऑब्स्क्योर मीन्स जो चीजें अस्पष्ट हो, अंधेरे में हो। कॉन्क्रीट का भी कोई मतलब नहीं, कॉन्क्रीट मीन्स ठोस होता है। तो एब्रप्ट का एंटोनिम ग्रेजुअल हो जाएगा। नेक्स्ट है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट वो शख्स होता है जो सख्त निष्कपट बेदाग होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष कोई दाग ना हो, वह इमैक्युलेट होता है। तो फिल्दी तो होगा नहीं, फिल्दी मीन्स गंदा होता है। हाँ, फ्लॉलेस हो जाएगा। फ्लॉलेस जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, कोई गंदगी ना हो, वह फ्लॉलेस हो जाएगा। एक मिनट, ये हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि इमैक्युलेट मीन्स स्वच्छ, बेदाग तो फिल्दी मीन्स गंदा हो जाएगा। फ्लॉलेस तो उसका सरोनिम हो जाएगा ना, क्योंकि इमैक्युलेट मीन्स निष्कपट, बेदाग जिसमें कोई दोष ना हो, तो फ्लॉलेस मीन्स भी बेदाग होता है। स्ट्रांग होगा नहीं, इसका मतलब कोई नहीं। स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है और वीक मीन्स कमजोर होता है। तो इमैक्युलेट का एंटोनिम हमें देखना है, तो एंटोनिम हो जाएगा फिल्दी। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंटोनिम के रूप में ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स समझते होंगे किसी चीज पर आपका स्वायत्त अधिकार, पूर्ण अधिकार। तो सबॉर्डिनेशन एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि सबॉर्डिनेशन मीन्स अधीनता हो जाती है। ऑटोनॉमी में आपके पास पूरा अधिकार है, जबकि सबॉर्डिनेशन में आप खुद किसी के अधिकार में हैं। तो ऑटोनॉमी का हो जाएगा सबॉर्डिनेशन। कन्फॉर्मिटी समझते होंगे, कन्फॉर्म से बना है, समरूपता इसके मीन्स होती है। स्लेवरी आप समझते होंगे, दास्ता गुलामी को कहते हैं, और डिपेंडेंस किसी पर निर्भरता को कहते हैं। तो ऑटोनॉमी का एंटोनिम हो जाएगा सबॉर्डिनेशन। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग मीन्स होता है जो चीज गर्म हो, वह स्वेल्टरिंग है। तो कोजी तो होगा नहीं, कोजी मीन्स आरामदायक होता है। क्लैमी मीन्स चिपचिपा होता है। स्मेली मीन्स बदबूदार होता है। और फ्रीजिंग मीन्स जो ठंडा हो, तो हो जाएगा स्वेल्टरिंग मीन्स गर्म, तो फ्रीजिंग मीन्स ठंडा, यानी स्वेल्टरिंग का एंटोनिम हो जाएगा फ्रीजिंग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट। मैं अपने बैच में अक्सर बच्चों से कहता हूं, हम लोग एक्सिलेट बोलते हैं, एक्सिलेटर बोलते हैं ना, ऐसा ना बोले, एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट मीन्स होता है गति को बढ़ाना, और एक्सेलरेटर मीन्स गति को बढ़ाने वाला। तो आज से एक्सेलरेटर बोलें, ना कि एक्सेलरेट, एक्सेलेटर। तो एक्सेलरेट मीन्स गति को अगर बढ़ाना है, तो क्विकन तो उसका सिनोनिम की तरह हो जाएगा। इसके मीन्स भी तेज करना होता है। डिसेंट से कोई मतलब तो है नहीं, डिसेंट मीन्स नीचे उतरना होता है। हाँ, डिमिनिश हो जाएगा, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, धीमा करना। तो एक्सेलरेट का एंटोनिम हो जाएगा डिमिनिश। डिले मीन्स होता है किसी चीज को टालना, तो इसका नहीं होगा। तो एक्सेलरेट का एंटोनिम डिमिनिश हो जाएगा। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे सामने हैं। पहला है आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज्ड टू मैरी माय डॉटर। टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स होता है आश्चर्यचकित रह जाना। तो प्लीज्ड तो खुश होना होता है, नहीं होगा। हाँ, सरप्राइज यहां पे है, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना होता है। तो टेकन अबैक का सोनोनिम हो, अरे वर्ड हो जाएगा मीनिंग सरप्राइज, आश्चर्यचकित। हर्ट मीन्स जानते होंगे चोट पहुंचाना होता है। शॉक मीन्स आघात पहुंचाना होता है। तो टेकन अबैक का सरप्राइज्ड।
ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस र्यूडनेस, यानी उसे मुंह की खानी पड़ी, उसे अपमान बर्दाश्त करना पड़ा अपने उस इंटेंस र्यूडनेस की वजह से, मीन्स बहुत अधिक अशिष्टता की, रूखेपन की वजह से। तो ईट हम्बल पाई मीन्स अगर मुंह की खाना, अपमान सहन करना, धूल चाटना होता है तो मॉडेस्ट बिहेवियर तो पता ही नहीं होगा। हाँ, सफर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान होता है, तो सफर ह्यूमिलिएशन हो जाएगा अपमान बर्दाश्त करना। अर्न प्रेज होगा नहीं, इसके मीन्स प्रशंसा हासिल करना, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और डिटरमिन नहीं होगा, डिटरमिन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, तो ये होगा नहीं। तो ईट हम्बल पाई का हो जाएगा सफर ह्यूमिलिएशन, अर्थात अपमान बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मीन्स होता है बेवजह फिजूल पैसे खर्च करना। तो पहला ही देखें, स्पेंट लैविशली है मीन्स बेवजह बहुत अधिक पैसे खर्च करना। तो डक्स एंड ड्रेक्स मीन्स स्पेंट लैविशली बहुत अधिक पैसे खर्च करना। लेंट होगा नहीं, लेंट मीन्स होता है किसी को उधार देना। डिड नॉट स्पेंड होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर पैसे खर्च कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। और बारो मीन्स उधार लेना, जो उधार लेगा वो क्या खर्च करेगा। तो प्ले डक्स एंड ब्रेक्स में सब बेवजह पैसे खर्च करना, स्पेंड लैविशली। नेक्स्ट है आपका इडियम ही इज अ फाइन मैन, वह एक अच्छा इंसान है। बट टू कॉल हिम अ सेंट, लेकिन उसे एक संत कहना इज लेइंग इट ऑन थिक। ले समथिंग ऑन थिक मीन्स होता है किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी सही वह अच्छा इंसान है, लेकिन अगर हम उसे एक संत कह रहे हैं तो यह कुछ ज्यादा ही बड़ी बात हो जाएगी। तो लेइंग इट ऑन थिक मीन्स हो जाएगा एन एग्जैजरेशन, देख रहे होंगे इसके मीन्स होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। रियलिटी तो वास्तविकता है, कंपल्सन घृणा प्रकट करने को कहते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो विकसित होने की क्रिया को कहते हैं। कंपल्सन यहां अनिवार्यता के रूप में है, शायद यहां पर दिया गया आपको। चले तो लेइंग इट ऑन थिक मीन्स एन एग्जैजरेशन। नेक्स्ट है आपका आइडियम द मिनिस्टर took a bird's eye view of the problem। आपको पता है जैसे ही a bird's eye view आप देखेंगे तो पहला जो आंसर है a general view from above आपके दिमाग में कौन सा आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये सही है कि a bird's eye view means a general view होता है, a general survey होता है, लेकिन उसने यहां above दिया हुआ है। तो above कब यूज करते हैं हम, तब जब हम किसी स्थान वगैरह जैसे कोई बाढ़ग्रस्त एरिया है और हम उस स्थान का जायजा लेते और हम अ बर्ड्स आई व्यू रखते, मीन्स ऊपर से हमने उसका जायजा ले लिया, ठीक से नहीं देखा। लेकिन यहां उसने कहा अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम, यानी पहला नहीं होगा, प्रॉब्लम के लिए अबव से कैसे देखेंगे आप सोचे ना। विजुअलाइज मीन्स होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, नहीं होगा। विजन ऑफ अ बर्ड, अरे चिड़िया की दृष्टि तो थी नहीं वहां पर। सी विदाउट गिविंग अटेंशन, सही है, यानी बिना प्रॉपर ध्यान दिए उन्होंने उस चीज को, उस प्रॉब्लम को देखा। तो अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स यहां हो जाएगा सी विदाउट गिविंग अटेंशन, लेकिन ध्यान रखेगा ये इस पूरे सेंटेंस पर प्रॉब्लम की वजह से डी ऑप्शन आप ले रहे हैं। चलिए स्पेलिंग एरर्स हैं, अगर आप देख रहे होंगे चारों वर्ड्स एक ही आपके हैं स्पेलिंग के साथ, तो अगर इमीडिएट की स्पेलिंग आपको याद हो तो आप कर लेंगे। इमीडिएट की स्पेलिंग याद करिए आई डब्ल्यू एम ई डी आई ए टी ई, ध्यान से देखें किसमें है, केवल एक में है आपके, मीन्स ए ऑप्शन है। तो इमीडिएसी मीन्स जल्दीबाजी या शीघ्रता होती, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल वर्ड होना चाहिए आपके लेवल पे, ब्रॉडकास्टर तो है नहीं, बोर्डकास्टर तो है नहीं, ब्रॉडकास्टर तो है नहीं, ब्रॉडकास्टर है बी आर ओ ए डी सी एस टी आर, इनकी डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर मीन्स जो आप ब्रॉडकास्ट करता हो, संदेश वगैरह प्रसारित करता हो। ये भी एक ही वर्ड है, चार स्पेलिंग्स हैं। अगर शैंगविन की स्पेलिंग याद हो आपको, एस ए एन जी यू आई एन ई मिला लें, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका शैंगविन। शैंगविन मीन्स आशावान होता है। ये चार अलग अलग वर्ड्स हैं और आपको देखना इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके स्पेलिंग सही। चलिए पहला वर्ड है शिजोफ्रेनिया, स्पेलिंग याद हो आपको एस सी एच आई जेड पी एच आर ई एन आई ए, शिजोफ्रेनिया, सही है शिजोफ्रेनिया, यानी ये एक मानसिक बीमारी होती है शिजोफ्रेनिया, जहां आदमी जो है अपने आप को मेंटली रूप से कहीं परेशान महसूस करता है या पागलपन के दौर से गुजरता है। गनोरिया गलत स्पेलिंग है या स्पेलिंग होती है जी ओ एन ओ डबल आर एच ई ए,
कतई नहीं होगी। गोनोरिया में सुजाक होता है, बीमारी है ये भी। एमनेशिया याद होगा, AMNESIA होता है एमनेशिया, एमनेशिया मीन्स भूलने की बीमारी को कहते हैं। और अल्जाइमर जो है वो स्पेलिंग गलत है, जहाँ जी है वहाँ जेड होगा और एच रहेगा यहाँ पे, जेड एच अल्जाइमर। अल्जाइमर जानते होंगे, जब इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी जो याददाश्त होती है, दिमाग जो है वो कम काम करने लगता है, तो वो अल्जाइमर होता है। यानी हमारी जो सही स्पेलिंग है वो सिज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। लास्ट स्पेलिंग एरर में चार वर्ड्स हैं, एक वर्ड है इंट्रिंसिक, एक है पेनेशिया, एक है सकर और एक है रैप्चरी। इंट्रिंसिक स्पेलिंग याद होगी आपको, INTRINSIC, ये जो बीच में एच लगा दिया गया है वो हट जाएगा, तो ए गलत हो गया। पेनेशिया की स्पेलिंग बहुत आसान होनी चाहिए, PANACEA, पेनेशिया रामबाण औषधि को कहते हैं, तो गलत है, PH यहाँ लगा हुआ है। ऊपर में भी H लगाया गया इंट्रेंसिक में, जिसके मीन्स आंतरिक होता है, शुरू से जो चीज़ हमारे अंदर है वो इंट्रेंसिक है। पेनेशिया में भी H लगा है, पेनेशिया मीन्स होता है रामबाण औषधि। सी है सकर, सकर की स्पेलिंग होती है SUCCOU, सकर मीन्स सहायता पहुंचाना होता है, किसी की मदद करना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, रैप्चरी से, रैप्चरी मीन्स किसी की अति प्रशंसा होती है, तो वाक्य यानी ये शब्द रैप्चरी आपका सही है। चलिए, रंग बदल गया, मीन्स कलर चेंज हो गया, जिसका मतलब सेगमेंट भी चेंज हो गया। अब हमारे पास है सिनोनिम्स। रिकैपिचुलेशन, अगर आपको याद हो, रिकैपिचुलेट मीन्स होता है किसी चीज को याद करना, जो बीती घटनाएं जब उन्हें याद करते हैं तो हम रिकैपिचुलेट करते हैं, तो रिकैपिचुलेशन नाउन के रूप में किसी भी शब्द के अंत में TION है तो वह नाउन होता है। तो रिकैपिचुलेशन मीन्स याद करने की क्रिया, तो फिर विदड्रॉल तो कतई नहीं होगा। विदड्रॉल की स्पेलिंग देख लीजिए, DRAWL, विदड्रॉल मीन्स किसी चीज़ को वापस लेना होता है। हाँ, रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल मीन्स किसी चीज़ को भूली हुई चीज़ जो अगर याद करते हैं तो हम रिकॉल करते हैं, तो रिकैपिचुलेशन का सिनोनिम जो हो जाएगा वो रिकॉल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय देना होता है, और कैप्चर मीन्स किसी चीज़ पर अधिकार जमा लेना, कब्जा कर लेना होता है। विसरण, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत बार होता है कि इस जो मर्डर हुआ था उसमें विसरल रिपोर्ट आना भी बाकी है। विसरल रिपोर्ट मतलब यानी उसके शरीर से संबंधित जो चीज़ें, वो जो रिपोर्ट उस पर आधारित हैं वो आनी बाकी। एक्चुअली वो आंत वगैरह से संबंधित होता है, उसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, ये विसरल होता है। क्योंकि चारों शब्दों में उसकी आंत से संबंधित कोई वर्ड है नहीं, लेकिन उसके शरीर से संबंधित है, तो विसरल में इनसे बॉडीली हो जाएगा, शरीर से संबंधित। इंटेलिजेंट का कोई मतलब नहीं, आप हैं ही तो आप जानते हैं इंटेलिजेंट में क्या होता है। क्लाउडी दो अर्थ में होता है, एक तो बादलों से जब घिरा हुआ, दूसरा जब कोई चीज संदेहास्पद होती है तो वो भी क्लाउडी होता है। और हेवनली जानते होंगे, ईश्वरीय होता है, जो चीज दिव्य है वो हेवनली होते हैं, तो विसरल का सिनोनिम हो जाएगा बॉडीली। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है संतुष्ट, जो आदमी पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो जाता है वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। तो विटी तो कतई नहीं होगा, विटी मीन्स समझते होंगे बुद्धिमानी भरा होता है। कन्फ्यूज कतई नहीं होगा, कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित कर देना होता है। सैटिस्फाइड, यहाँ आके आपको आंसर मिल रहा है, सैटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होता है, तो कॉम्प्लेसेंट का जो सिनोनिम है वो सैटिस्फाइड हो जाएगा। रेकमेंड समझते होंगे, सिफारिश करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट मीन्स कोई समृद्ध, कोई धनी व्यक्ति जो होता है वो ऑप्युलेंट होता है, तो कंफर्टेबल नहीं होगा। कंफर्टेबल तो आरामदायक को कहते हैं, हार्ड वर्किंग कतई नहीं, धनी से क्या मतलब है। ऑब्स्क्योर जो चीज अस्पष्ट हो, अंधकारपूर्ण हो, ऑब्स्क्योर है, रिच हो जाएगा, तो ऑप्युलेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिच। लास्ट आपका है एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग मीन्स उद्यमी होता है, एक ऐसा उद्यमी जो नए नए तरीके इजाद करता हो चीज़ों को बेहतर बनाने की, वह उद्यमी एंटरप्राइजिंग होता है। तो न्यू वेंचर तो होगा नहीं, एक कोई नया रोमांचक कार्य कोई करने जा रहे हो आप, साहसिक कारनामा करने जा रहे हो, तो वो नहीं होगा। हाँ, फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होगा, नए तरीके इजाद करना, खोजना चीज़ों को करने का, तो वह एंटरप्राइजिंग है, उद्यमी। डूइंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने का एंटरप्राइजिंग से संबंध, एक्सपेरिमेंट तो साइंटिस्ट करते हैं। और टेकिंग अप अ न्यू जॉब का कोई मतलब नहीं है, यानी एंटरप्राइजिंग का सिनोनिम हो जाएगा फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग। चलिए फिर, सबसे बढ़िया सेगमेंट हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है क्लोज टेस्ट का। और चूंकि मैंने इस पर ऑलरेडी आपको वीडियो दी हुई है, जो भी बच्चे चाहते हो कि क्लोज टेस्ट में बेहतर करें वो उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि अगर क्लोज टेस्ट आपको बेहतर करना है
तो हम क्या चीज़ें हैं जो हमें समझने हैं। जैसे यहीं पे आप देख रहे होंगे ग्रेजुअली, इंसिडेंटली, प्रूडेंशियली और इनिशियली दिया है, तो इन शब्दों के जो अंतर हैं वो हर हाल में धीरे धीरे आपको तैयार करने होंगे यदि इस लेवल पे जाना है। प्लस जो ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज है आपके पास और जो कंडीशनल वगैरह सारी सेंटेंसेज वगैरह हैं उनका नॉलेज रखें आप, और प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स को बेहतर तरीके से तैयार करें, तो हर हाल में आज नहीं तो कल आप क्लोज्ड सेक्शन जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको लगता है वो कहीं कहीं आपके स्ट्रेंथ बन के निकलेगा। लेकिन प्रयास हर हाल में जुनून के तहत आपको करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज हमारा है डार्कनेस डैश बिगेन टू डैश ऑन ऑल साइड्स सो आई कुड नॉट हैव एनी डैश व्यू ऑफ द थिंग्स दैट डैश along our way. Our train stopped at two important stations before we dash our hometown. एक concept निकालते हैं, darkness dash began, कहीं कहीं कहना चाह रहे अंधेरा शुरू हो गया था, to dash on all side, हर तरफ, यानी हर तरफ अंधेरा घिरने लगा था, दिखने लगा था. So I could not have any dash view of the things. इसलिए वो जो चीजें थी उनका कोई मुझे प्रॉपर व्यू नहीं मिल पा रहा था। दैट डैश अलोंग आवर वे, जाहिर सी बात जो चीजें हमारे रास्ते में पड़ रही होंगे। आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट टू इंपॉर्टेंट स्टेशंस, हमारी जो ट्रेन थी वो दो इंपॉर्टेंट स्टेशंस पे रुकी, बिफोर वी डैश आवर होम टाउन, इससे पहले कि हम अपने होम टाउन, जाहिर सी बात यहां पहुंचने की बात होगी, इससे पहले कि हम अपने होम टाउन पहुंच सके। ये कॉन्सेप्ट दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले ऑप्शन में बेस्ट क्या होगा। Darkness dash began. अब darkness began धीरे धीरे, हमारे पास है gradually means धीरे धीरे, incidentally अचानक, prudentially means बहुत क्षमतापूर्ण तरीके से, बुद्धिमानी तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, initially शुरुआती तौर पे, मैंने दिया था उसमें कि common sense बहुत जरूरी है। सोचे ना आप ये क्या कहना चाह रहे होंगे, अंधेरा धीरे धीरे began, शुरू हो गया, तो क्या होगा धीरे धीरे, ए हो जाएगा ग्रेजुअली। तो डार्कनेस ग्रेजुअली बिगेन टू, अब हमारे पास है चार वर्ड्स, बिगेन टू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स होता है पार चले जाना, जब आप किसी से श्रेष्ठता में बहुत आगे निकल जाएं तो आपने उसे ट्रांसेंड कर दिया। तो यहां ऑल साइड्स और अंधेरा जो है वो ट्रांसेंड कहां कह रहा है। असेंड मीन्स होता है ऊपर उठना, अब साइड्स में ऊपर उठने का कहां मतलब है। कंडिसेंड मींस होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज को मान लेना, मजबूरी में इसे ही मान लेना, तो यहां कहीं मानने का कहां संबंध है। डिसेंड, डिसेंड मींस घिरना, गिरना, पड़ना, यानी डार्कनेस ग्रेजुअली बिगेन, यानी अंधेरा धीरे धीरे शुरू हो गया, टू डिसेंड ऑन ऑल साइड, सब तरफ गिरना मींस सब तरफ घिरना, अर्थात हर तरफ अंधेरा छाने लगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सो आई कुड नॉट हैव एनी डैश व्यू ऑफ द थिंग्स, यानी उन चीजों का क्या नहीं मिला मुझे। प्रेसेंट, प्रेसेंट मीन्स होता है आसपास, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मीन्स स्वाभाविक होता है, जो चीज सहज प्रवृत्ति के रूप में होती है वो इंस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स विशेष या अस्पष्ट। अब आप सोचें जैसे शब्द को पढ़ें आप, तो आगे देखें, So I could not have any dash view. View means कोई अस्पष्ट व्यू नहीं मिला, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। So I could not have any distinct view of the things. Life का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पे है, तो so I could not have any view, any distinct view of the things that, that क्या, that lane, अगर आपको याद हो lie की दो मीनिंग्स होती हैं, एक lie means लेट जाना, उस लाई की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ले और लेन होती है, और जिस ले मींस रखना होता है, पढ़ना होता है, उस ले की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेड और लेड होती है। तो आई कुड नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट व्यू ऑफ द थिंग्स, मुझे उन चीजों का कोई अस्पष्ट व्यू नहीं था, मैं साफ दिखाई नहीं दे रहा था, दैट जो हमारे एलांग अवर वे रास्ते में पड़ी होंगी, पड़ी होंगी यानी ले वाला रूल यहां पे लागू होगा, तो जाएगा दैट ले अलोंग आवर वे, यानी जो हमारे रास्ते में पड़ी होंगी वो हो जाएगा। आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट टू इंपॉर्टेंट स्टेशंस, हमारी जो ट्रेन थी वो दो महत्वपूर्ण स्टेशंस पे क्या हो गई, रुकी,
वो जो दो इंपॉर्टेंट स्टेशंस थे जहां वो रुकी, वो ट्रेन के बारे में ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जिन स्टेशन पर रुकी बिफोर वी डैश आवर होम टाउन, यानी इससे पहले कि हम अपने घर, क्या हम अपने घर पहुंचे। अब चूंकि बिफोर के बाद तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि पास्ट परफेक्ट आएगा, तो अगर बिफोर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा तो फिर क्या लगाना होगा आपको, आप सोच के देखिए। आप यानी यहां पे रीच होगा, रीच्ड होगा, हैव रीच्ड होगा या हैड रीच्ड होगा। आप ध्यान से देखिए, पूरी क्लास आपकी पास्ट में है तो बी और डी कैसे हो जाएगा, कतई नहीं होगा आपका। और रीच और रीच, रीच भी तो कतई नहीं होगा, सोच के देखिए आप प्रेजेंट कैसे हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट टू इंपॉर्टेंट स्टेशन बिफोर वी रीच्ड आवर होम टाउन। फिर से देख लेते हैं, क्लोज टेस्ट में मेहनत करेंगे तो हर हाल में आगे, आप चाहे स्टेनोग्राफर का पेपर देना हो आपको, चाहे आप कल को सीएचएसएल और सीजल का पेपर देना है, सीपीओएसआई का पेपर देना है, बैंक का देना है, किसी का भी, क्लोज टेस्ट तो हर हाल में आपको फेस करना होगा। और ज्यादातर एग्जाम्स में अगर आप मेंस दे रहे हो तो 25-25 नंबर तक के क्लोज टेस्ट आपको दिया जाता है, स्टेनोग्राफर में भी आपको 10 नंबर के आसपास का आपको दिया जाएगा। तो अगर मेहनत करेंगे तो ये आपके काम आ जाएगा। फिर देखते हैं, इन्हें डार्कनेस जो था वो हर तरफ घिरने लगा धीरे धीरे, यानी डार्कनेस बिगैन हो जाएगा यहाँ पे, यानी डार्कनेस ग्रेजुअली बिगैन टू, और यहाँ हो जाएगा आपका डिसेंड ऑन ऑल साइड, सब तरफ अंधेरा घिरने लगा था। वर्ड्स को अगर आप मीनिंग जानेंगे तो हर चीज आसान होगी आपके लिए। सो आई कुड नॉट हैव एनी, इसलिए मुझे कोई विशेष यानी अस्पष्ट दृष्टिकोण, दृश्य यानी अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। प्रेसेंट नहीं होगा, प्रेसेंट में आसपास का जो इलाका होता है वो प्रेसेंट होता है। इंस्टिंक्ट सहज वृत्ति को कहते हैं, और डिस्टिंक्ट मीन्स अस्पष्ट होता है, यानी आई कुड नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट व्यू ऑफ द थिंग्स दैट, जो हमारे रास्ते में क्या ले पड़ी, अलॉन्ग आवर वे मीन्स हमारे रास्ते में। अगर आपके मन में आए कि सर यहाँ लेट वगैरह क्यों नहीं होगा, क्योंकि चीजें थी वहीं पे थी, वही हमेशा थी, तो इसलिए यहाँ पे आप लेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर दैट ले अलॉन्ग आवर वे, यानी जो हमारे रास्ते में पड़े। आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट टू इंपॉर्टेंट स्टेशन, यानी हमारी जो ट्रेन थी वो दो महत्वपूर्ण स्थानों पे क्या हो गई, पड़ी, मतलब हमारे दो स्थानों पे रुकी बिफोर वी रीच आवर होम टाउन हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पे वो लास्ट में रीच हो जाएगा। चलिए, ये एक प्रयास है छोटा सा आपको समझाने का, बट आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हर हाल में आप सफल होंगे। आगे जो एग्जाम्स हैं हर हाल में उनमें आपको इनका लाभ मिलेगा। आप शुरू से सारे पेपर सॉल्व करेंगे और ये चीज़ें आपको हर हाल में आपके यूज़ में आ जाएंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेगा। दूसरों को भी बताएं, जो बच्चे हैं आपके इन कनेक्ट, उन बच्चों को बताएं कि कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप सफल हों। एक निरंतर प्रयास है, आगे भी आपको सेट्स मिलते रहेंगे। ये एक से शुरुआत है, लास्ट तक करीब करीब मैं ले जाऊंगा आपको। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो इसका निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। दूसरों को बताएं जरूर आप, ठीक है, सहयोग करेंगे तो ईश्वर भी आपका सहयोग करेगा। थैंक यू।